हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको पता होगा, कॉमनली जब भी हम आउटडोर पे कोई भी फोटो शूट करते हैं तब स्काई अगर पूरी तरीके से व्हाइट आया है, ओवर एक्सपोज आया है, तो वो दिखने के लिए बहुत ही खराब लगता है। तो इसी के लिए हमारे फोटोशॉप के अंदर बहुत ही एक अच्छा फीचर है जिसका नाम है स्काई रिप्लेसमेंट। इसको यूज करके हम ऑटोमेटिकली बहुत ही कम टाइम के अंदर रियलिस्टिक तरीके से स्काई को चेंज कर सकते हैं। तो इसी फीचर को, स्काई रिप्लेसमेंट इस फीचर को, पूरा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्काई रिप्लेसमेंट फीचर आपको कौन से फोटोशॉप के अंदर मिलेगा, ये कहाँ पे होता है, किस तरीके से यूज करना है, उसके अंदर और कौन से ऑप्शन होते हैं, उसी के साथ साथ बाहर के स्काई किस तरीके से डाउनलोड करके उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको इस एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ऑटोमेटिक स्काई रिप्लेसमेंट का फीचर होता है, ये हमेशा फोटोशॉप 2021 या फिर उसके ऊपर वाले वर्जन के अंदर ही आपको मिलेगा, उसके नीचे वाले फोटोशॉप के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्काई रिप्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन कहाँ पे है। एडिट के अंदर जाओगे, यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ कैसे काम करती है, स्काई रिप्लेसमेंट फीचर कैसे काम करता है। वो क्या करता है, फोटोशॉप के अंदर से ऑटोमेटिकली ब्राइट एरिया जो दिख रहा है, जो स्काई के जैसा लगता है, उसके अंदर किसी और स्काई को ऐड कर देगा। अब अगर आप स्काई, अब यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे भी ब्राइट लग रहा है, ये भी पार्ट ब्राइट लग रहा है, तो हो सकता है कि स्काई आपका इसके अंदर भी आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिल्टर के अंदर, कैमरा फिल्टर के अंदर जाके आपका जो फोटो है उसके अंदर का ये जो पोर्शन है आपको डार्क करना पड़ेगा। कैसे डार्क करोगे, शैडो को थोड़ा कम कर रहा हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करके, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा करके इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लो पहले ही। ठीक है, डार्क हो गया, अब स्काई रिप्लेसमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा सही होगा। तो अभी ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, एडिट के अंदर जाना है और आपको स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर जाना है। अब स्काई रिप्लेसमेंट के इस पूरे बॉक्स को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये चीज़। देखिए, वाओ, देखिए ऑटोमेटिकली पूरा स्काई चेंज हो गया है, बट वो अलग चीज़ है, हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर स्काई करके एक बॉक्स होता है, इसके अंदर अलग अलग स्काई के प्रीसेट होते हैं, जो आपको स्काई चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर उसको यहाँ से आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, या फिर उसका ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए, अब इस ब्राइटनेस को किस तरीके से एडजस्ट करोगे, जो नीचे का ब्राइटनेस है, ज़मीन इतना ब्राइट लग रहा है तो स्काई भी उतना ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए आपका, वो ज़मीन के कलर पे भी डिपेंड करता है, बट देखिए अब ब्राइट कर, अब ये दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो स्काई चाहिए वो सिलेक्ट करके उसका ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे ऑप्शन होता है टेम्परेचर का, अगर आप स्काई को थोड़ा ब्लू की तरफ लेके जाना चाहते हो तो इसको टेम्परेचर को कम कर सकते हो, येलो की तरफ लेके जाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। सिंपल चीज़ क्या है, अगर डे का फोटो होगा जहाँ पे धूप ज़्यादा दिख रहा है तो आप थोड़ा सा येलो की तरफ लो। जो पीछे ऐड हुआ ये एक फोटो है स्काई का, उसका साइज अगर कम ज़्यादा करना, मतलब क्लाउड का साइज कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे आप स्केल को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा किस तरीके से सेट करना पड़ेगा। देखिए, अब ऑब्वियसली ये मंदिर है और स्काई बैकग्राउंड पीछे ही है, तो ये जो आपको दिख रहा है क्लाउड, ये जो बादल दिख रहा है, इसका साइज कंपैरेटिवली सही लग रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा वाइड लेंस पे क्लिक किया हुआ है तो ये बादल छोटे छोटे दिखेंगे, तो उस टाइप पे आप स्केल को छोटा कर सकते हो। देखिए, इस तरीके से लग रहा है कि स्काई बहुत दूर है, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके आपको इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्लिप करोगे तो आपका ये जो स्काई है फ्लिप हो जाएगा, तो इसको भी कभी कभी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमारा, एक मिनट, इसको वापस फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारा पोर्शन सही लग रहा है, स्काई पूरा फैला हुआ है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट साइड में खाली खाली लग रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई तो चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टावर है, पेड़ है, बट आपको ये स्काई यहाँ पे चाहिए, तो आप फ्लिप कर रहे हो, अब आपका क्लाउड इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पे कोई ट्री होगा, यहाँ पे क्लाउड होगा, तो दोनों दिखने में थोड़ा बैलेंस्ड लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना है, और नीचे आउटपुट के जगह पे आपको न्यू लेयर कर देना है ताकि स्काई न्यू लेयर पे आ जाए। ठीक है, ताकि तुम उसको बाद में मास्क या फिर ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सको। उसके बाद में आपको प्रीव्यू को हमेशा ऑन रखना है, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि या फिर कौन सा स्काई आने वाला है। ठीक है, किस तरीके का दिखने वाला है। अब आपको यहाँ पे नीचे से जाके कोई भी स्काई एक सिलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल ये कर लिया। ठीक है, बट आपको ये स्काई पसंद नहीं आ रहा है, आपको बाहर से डाउनलोड करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्काई, मतलब जिस फोटो के अंदर स्काई या फिर स्काई वाले फोटोज डाउनलोड करना है,
क्या करना है, स्काई वाले फोटोज डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। पहले ये स्काई सिलेक्ट करता हूँ, सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और गेट मोर स्काईज के ऊपर क्लिक करना है और इम्पोर्ट इमेजेस कर देना है। मतलब स्काई का जो आपने इमेज डाउनलोड किया है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। क्लिक कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। अब सिर्फ एक सैंपल दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक फोटो डाउनलोड किया हुआ पहले का है, इसको इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब ये फोटो इसके अंदर आ गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अपने आप वो उसके अंदर वो फोटो ऐड कर देगा, देखिए इस तरीके से। और देख सकते हो आप उसका सिर्फ स्काई उसने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको जो चाहिए वो फोटोज आप यहाँ पे डाउनलोड करके ले सकते हो। इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से भी आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो। फाइनल आते हैं पॉइंट के ऊपर, कोई भी स्काई फाइनलाइज करते हैं यहाँ पे। ये स्काई थोड़ा रियल लग रहा है तो इसको चूज करता हूँ। उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा सा उसको येलो की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। जैसे ही ओके करूंगा स्काई रिप्लेसमेंट का पूरा इस तरीके से कुछ प्रोसेस खुल जाएगा। अब ये एक्चुअली क्या है, ये फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली किया हुआ प्रोसेस है इसका। ये जो पूरा ग्रुप है इसको यहाँ से ऑफ कर दो और ये इसको ऑन ऑफ करके चेक करो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। देखिए कितना परफेक्टली हो चुका है। और अगर हमने यहाँ का डार्क नहीं किया होता तो यहाँ पे भी आया होता स्काई, ठीक है। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये स्काई पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस लेयर को सिलेक्ट करोगे, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे एड लेयर मास्क पे क्लिक करोगे, अल्ट प्रेस करके, ठीक है, किया। अब आपको यहाँ से ब्रश टूल लेना पड़ेगा और जहाँ पे वो स्काई चाहिए वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ वहीं पे आ गया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो कभी, बट फर्क क्या होता है, दोनों फर्क लग रहा है कलर, ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर इस तरीके से सॉफ्टली यूज़ करते तो भी चलेगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस बैक आ रहा हूँ, ये कर सकते हो। उसके बाद में ओपेसिटी अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हो।